Can I come inside? Yes, come in. आशीष पुष्कर। Yes. केमिस्ट्री ऑनर से? Yes, sir. और हिस्ट्री ऑप्शनल है? Yes, sir. क्यों है? केमिस्ट्री ही ऑप्शनल होता है? सर इस बार पैटर्न चेंज हो गया था, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव हो गया था और इससे एक नया पेपर हम लोगों को 2 महीने के अंदर करना था और हमने पीटी में काफ़ी अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाई की थी और मैं उस टाइम को डेडिकेट करना चाहता था करेंटली कि मैं हिस्ट्री इससे में दे दूँ, इसीलिए मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल रख लिया। तो हिस्ट्री का रोल था एग्जाम में? यस सर। इसलिए आपने हिस्ट्री को ले लिया? यस सर। जी एस वन। बाकी पहले कभी दिया है? यस सर, 67th में मैंने दिया था। अच्छा, इंटरव्यू दिए थे? नहीं सर, मीन्स में क्वालिफाई नहीं हो पाए थे सर। अच्छा, केमिस्ट्री फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? सर लैगोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं सर। मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं सर? यस सर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। पुराने केमिस्ट्री का फादर कौन है? सॉरी सर, नहीं ध्यान नहीं मेरे। अच्छा, ये जो कहा जाता है केमिस्ट्री, यस सर, हमारी केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री मैच कर गया? यस सर। होता रहे सर। ये क्या है? ये सर, ये दो लोगों के बॉन्डिंग के बारे में बोला जाता है कि हमारी केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री। कह रहे बोलते हमारी हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री मैच कर गया? सर केमिस्ट्री एक इंटरनल स्टडी होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे हम लोग स्टडी करते हैं, एटम्स पे। यानी अगर दो लोगों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया, इसका मतलब है कि माइन्यूट लेवल पे भी हम लोगों की विचारधारा लगभग एक जैसी है। एटम लेवल पे कि केमिकल लेवल पे? सर एक, मतलब छोटा छोटा लेवल, केमिकल लेवल पे सर। सर अच्छा, आप मुझे बताइए, अभी एटॉमिक लेवल आपने कहा? यस सर। एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोई एनी एलिमेंट है। तो एनी एलिमेंट तो स्मॉलेस्ट में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसका भी स्मॉलेस्ट है सर, उसका भी पार्ट है, स्मॉलेस्ट कैसे हो गया? सर एटम जो पूरा स्ट्रक्चर होता है सर, एटम के स्ट्रक्चर में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स के डिफरिंग के कारण डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं, वही डिफरेंट स्मॉलेस्ट नहीं बोलेंगे एटम को, स्मॉलेस्ट पार्ट तो नहीं बोलेंगे सर, वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है जिसके नीचे चेंज। एटम और आयंस, यस सर, क्या डिफरेंस दोनों के बीच? सर एटम से ही आयंस बढ़ते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का लूज और गेन होता है सर, तब मतलब क्या लूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एटम सर? जब इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए या गेन कर दिए, क्या एटम क्या सर? एटम्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है, अगर लूज करते हैं तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा तब उसको आयंस कहेंगे, आयंस कहेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा अपने आयनोस्फेयर। यस सर। उसको क्यों नाम दिया आयनोस्फेयर? सर जो हमारा थर्मोस्फेयर है उसमें आयंस की मात्रा अधिक है, इसीलिए उसको नाम आयनोस्फेयर दिया गया, जहाँ पे एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करके वहाँ पे घूम। अच्छा, पदार्थ की 5 अवस्था? यस सर। उसमें एक अवस्था, यस सर, आयन मंडल पे भारी मात्रा में पाया जाता है। यस सर। क्या है उसका नाम? सर प्लाज्मा। अच्छा प्लाज्मा। यस सर, गुड, वेरी गुड। आप मुझे बताइए कि रदरफोर्ड, यस सर, उन्होंने भी बताया इलेक्ट्रॉन घूमती है। यस सर। हाँ, प्रशांत इंग्लिश के चारों ओर। यस सर। और बच्चे को एडमिशन करवा दिया क्या? ये भी बोर्ड ने, बोर्ड ने बताया सर कि वही एटम के 4 इलेक्ट्रॉन घूमती है, तो क्या डिफरेंस है? सर रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर घूमती है, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते सारा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमती है और एनर्जी लूज करती है, इस तरीके से एटम अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन नील्स बोर ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होती है वो किसी ना किसी डिस्क्रीट एनर्जी में घूमती है, सेल में घूमती है, और उसी के एनर्जी के कारण घूमती है और इसी के कारण वो कोलैप्स नहीं करती। इलेक्ट्रॉन, यस सर, आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट ऑर्बिट पर जंप करता है। यस सर। एनर्जी लॉस होगा, गेन होगा? सर एनर्जी गेन होगा सर। इधर में आएगा तो गेन होगा? यस सर। एनर्जी उसको सर ठीक से समझ के बताइए। यस सर, सॉरी सर। आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट में आएगा, मतलब कि के एल एम, एम से के में आएगा। यस सर। तो लॉस होगा कि गेन होगा? सर सर एनर्जी उस कंडीशन में रिलीज हो जाएगा सर, निकल जाएगा बाहर। लॉस होगा? यस सर, लॉस होगा।
बाहर जाएगा तो गेन होगा। सर बाहर जाएगा तो हमको एनर्जी उसको देना पड़ेगा निकालने के लिए, गेन होगा उसको, गेन होगा। यस सर, इलेक्ट्रॉन को गेन होगा। यस सर, इलेक्ट्रॉन हमको हम एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा ऑर्बिट से। मुझे बताइए आपकी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यस सर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यस सर, उसके अंदर क्या होता है, तो उसमें किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? सर यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। तो इसमें कहते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में करते हैं। यस सर, तो उसमें भी वही करते हैं सेम पीएच डॉक? सर ध्यान में नहीं, सॉरी सर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा आपसे, हिस्ट्री ऑप्शनल है आपको। यस सर, मुझे बताइए आप कि कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है? सर कल्चर किसी भी समय पे जो हम अपने पिछले जनरेशन से हम जो कुछ ट्रेड्स लेते हैं और उसको हम लगातार फॉलो करते जाते हैं जनरेशन से जनरेशन, उसी को हम लोग कल्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग सर विवाह के प्रथा में हम लोग जैसे किसी किसी हम लोग एक शादी करते हैं जिसमें एक प्रथा है कि महिलाएं पुरुष के घर चली जाती हैं शादी के, तो ये कल्चर का पार्ट है सर। जो आपने हॉबी कुछ नहीं लिखा है? सर बैडमिंटन लिखा था सर। कहीं नहीं लिखा सर, बहुत पहले का फॉर्म छूट गया सर। अच्छा, बैडमिंटन सर। बैडमिंटन हॉबी? यस यस सर। चलिए ठीक है, आपने हिस्ट्री ऑप्शन रखा है। यस सर, हिस्ट्री में मार्क्सवादी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। यस सर, सर मार्क्सवादी हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसमें सर लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास को लिखा गया और मार्क्स का इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट इम्पैक्ट दिखता है, जिसमें उन्होंने बोला था कि 1% लोग 99% संसाधन पर अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं और जिसके कारण पूरे समाज में असमानताएं बढ़ती जा रही हैं, और इस तरह के इतिहास को सर मार्क्सवादी इतिहास कहते हैं। राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या होता है, इसको समझाइए। सर राइट विंग और लेफ्ट विंग का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया हुआ है। इस उसमें वहाँ पे जब स्पीकर जो बैठते हैं उनके ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश या फ्रेंच? सॉरी सर, हम जाकर देख लेंगे, हमको यही याद है। ब्रिटिश या फ्रेंच? फ्रेंच। चलिए आगे बढ़िए। ओके सर, हम जाके देख लेंगे सर। आगे बढ़िए। फ्रेंच के हाँ। उनके राइट साइड में, उनके वहाँ के जो चेयर पर्सन होते हैं स्पीकर, उनके राइट साइड में जो बैठते हैं उनको राइट विंगर कहते हैं, और जो लेफ्ट। अच्छा, राइट विंग का क्या काम था, उसका एक और नाम क्या है? एक हाँ, एक और नाम बताइए। सॉरी सर, दिमाग नहीं। राइट विंग का क्या काम है? सर राइट विंग सर का काम है कि सर वो गवर्नमेंट के फेवर का बात करते हैं, वो गवर्नमेंट के चलाए गए स्कीम्स को प्रमोट करते हैं और गवर्नमेंट की जो बातें होती हैं उनके समर्थन में ही बातें करते हैं। लेनिनवाद क्या था? सर सर जो मार्क्स लेनिन एक रशियन रेवोल्यूशन के क्रांतिकारी हुए जो कि बाद में जाके राष्ट्रपति USSR के राष्ट्रपति भी हुए, और उन्होंने स्टेट सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इसी को हम लोग सर लेनिनवाद कहते हैं। सर वार्सोवा संधि क्या थी? वार्सोवा संधि क्या सर? वार्सो की संधि सर वार्सो का पैक्ट जो हुआ था संधि, वो रसिया के द्वारा मॉनिटर्ड था और वो नाटो के अगेंस्ट में एक संधि था जो नाटो के एक्सपेंशन के अगेंस्ट में था। वो कहता था कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कम से कम होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, उसी के अगेंस्ट में 1955 में ये बना था ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार किस कारण से हुआ था? सर फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के सर प्रमुखता हम मैं मानूंगा कि दो कारण थे, जिसमें एक मैं इमीडिएट कारण मानूंगा कि सर ऑस्ट्रो हंगेरियन प्रिंस जो थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या पुलिस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया, और पहले से बिस्मार्क द्वारा चलाए जा रहे जो भी इंटरनेशनल रिलेशन के पॉलिसी थे जिनको कैसर विलहम द्वितीय ने जब हटा दिया, तो उसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय में
समय में यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर चल रहा था वो काफ़ी टूट गया, जिसके कारण सर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। सर पुनर्जागरण उसे सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उस समय एक मिडिल क्लास बुर्जवा मिडिल क्लास का जन्म हुआ, जिन लोगों ने पढ़ाई को ध्यान देते हुए और उन्होंने बोला कि हम लोग जो डिवाइन रूल है उसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नेचुरल राइट्स पे हमें फोकस करना चाहिए, जैसे कि इक्वालिटी लिबर्टी इन सब चीज़ों पे फोकस करने की बात उसमें की गई है। और उसके कारण लोग धीरे धीरे समझने लगे कि हमें जो भी धर्म के अनुसार धर्म में धर्म की मान्यताएं जो ज़बरदस्ती चलाई जा रही है चर्च और पादरियों के द्वारा उसको मानने से इनकार किया गया, इसीलिए उसको पुनर्जागरण कहा गया, लोगों में जागृति आ गई। डार्क फेज क्या था, अंधयुग क्या था? सर सॉरी सर ध्यान में भी नहीं आ रहा सर। डार्क फेज जस्ट जैसे सर ने कहा वो पुनर्जागरण के पहले की है, ठीक है ऑलमोस्ट ये 476 के बाद जब पवित्र रोमन साम्राज्य खत्म हो गया उस पर बंडालों का अति हो गया और फिर आगे चल के ईसाइयत और इस्लाम में जो वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई और बेंजेंटाइन साम्राज्य का जो अति वो आगे इस्लाम में खलीफों ने लिया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कुस्तुंतुनिया का पतन हुआ, ठीक है, तो उस चीज़ के चलते जो प्राचीन यूनान और रोम की जो सभ्यता थी वो बुरी तरह से नष्ट हो गई। जैसे नॉर्थ में क्या है, मैंने पूर्व में भारत और चीन की सभ्यता को क्या माना जाता है, क्रेडल सिविलाइजेशन। तो उसी तरह वेस्ट में जो है यूनान और रोम की सभ्यता, तो वो पूरी जो सभ्यता थी नष्ट हो गई, ठीक है, तो उसी को फिर से रिवाइवल करना जो बुद्धिवाद तर्कवाद प्रत्यक्षवाद, ठीक है, तो उसी को लेकर ये रिनाइसेंस हुआ, ठीक है, ये चीज। द अल्केमिस्ट बुक पढ़ी है आपने? सॉरी सर नहीं पढ़ी। एक वेल नोन मतलब ये राइटर कहे सर नहीं पढ़ी। अच्छा, ये जो अल्केमिस्ट होते थे केमिस्ट्री में वो क्या करते थे? सॉरी सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा अल्केमिस्ट का काम। अच्छा, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर दोनों में क्या डिफरेंस है, एबीआर और एफबीटी? सॉरी सर मैं ध्यान में कम नहीं दे पूछ रही। बिहार में भी कितने पुलिस जिले हैं सर? 39 सर। 39 के 40? 40 सर, सॉरी सर, 40 40 सॉरी सर। अच्छा, ये जो बीटीआर है, यस सर, बीटीआर से एक नदी बहती है, यस सर, क्या नाम है उसका? गंडक सर। ब्रह्मा का भारत में यस सर जो है एक जगह एकमात्र मंदिर है, सर कौन सा है? सर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर में। ये आपका नाम के अनुसार मैंने यदि किया सर, यस। और विदेश में मतलब भारत के बाहर ब्रह्मा जी का कहाँ पे मंदिर है? सर गेस ले सकते हैं सर, सर आसियान कंट्रीज में। हाँ, आसियान तो एक पूरा अम्ब्रेला वर्ड है ना, उसके किसी यदि सर गेस ले सकते हैं सर, सर कंबोडिया में सर, थाईलैंड सॉरी सर। खमेर रूज यस सर कहाँ से संबंधित? सॉरी सर नहीं पता। खमेर रूज कंबोडिया से संबंधित? यस सर खमेर रूज, यस दिमाग में है। अभी जो है भूटान एक नया इंटरनेशनल सिटी डेवलप कर रहा है, कहाँ पे किस राज्य की सीमाओं के पास? सर हुँ.
सर गेस ले सकते हैं सर, एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा है सर, सिक्किम के पास। असम, सॉरी सर। आज एक फेमस डे है हिस्ट्री में। यस सर। कौन सा दिन है? सर वीर बाल दिवस है सर आज। और इसके अलावा एक और दिन है काफी चर्चित रहा इस दशक में, जो 2000 के बाद से 2022 के बीच सर, है ना सर, वो चर्चित रहा, एक धब्बा रहा, काला दिन रहा, इशारा रहा पिछली यूपीए सरकार के समय हुआ सर, याद नहीं आ रहा है। मुंबई से जुड़ा हुआ कुछ था सर, वो 26 नवंबर को हुआ था सर। 26/11 ही था ना? यस सर, 26 नवंबर को हुआ था, 26/11 था सर, अटैक हुआ था 2007 में सर। 26 तो नवंबर था, डेट डेट था। यस सर, डेट नवंबर, यस सर, 26/11 था सर। अच्छा सर, कौन सा ईयर, ईयर कौन सा था? 2007 सर। 2008 हो सकता है सर, मिस कर रहे हैं। ठीक है सर, 2008 ठीक है। बिल्डिंग अच्छा है आपका, आशीष पुष्कर जी सर, केमिस्ट्री।